पोकेमन के 3DS गेम्स ऐसे गेम्स जिनकी स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स ना ही तुम्हारा दिल जीतेंगे बल्कि तुम्हारा मन भी मोह लेंगे। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि इन गेम्स का मजा तुम कहीं भी कभी भी उठा सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट एंड वो भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। क्या अभी तक तुमको यही नहीं पता कि इनको खेलना कैसे है? इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखा करो। समझ रहे हो आप? खैर उन बातों को जाने दो। अगर तुमको जानना है कि तुम पोकेमन के 3DS गेम्स कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेल सकते हो तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, देखो, जानो और खेलो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग 3 3DS रोम्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली 3DS रोम्स और भी बहुत सारे हैं, बट ये तीनों ज्यादा मेन हैं एंड अदर जो कैटेगरी में आते हैं वो उतने कुछ खास नहीं है। हम लोग उन रोम्स को रैंक भी करेंगे और साथ में ये भी पता करेंगे कि उन रोम्स के बेस्ट रोम हैक्स कौन से हैं। इनकेस अगर तुमको नहीं पता कि रोम हैक्स क्या होते हैं तो रोम हैक्स बिल्कुल सेम टू सेम ओरिजिनल रोम ही होते हैं, बट उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। इन सिंपल वर्ड्स, ओरिजिनल रोम तुमको मजा देंगे लेकिन रोम हैक्स तुमको मजा इंटू 100 देंगे। मजा आया। अब इतना ज्यादा बकने के लिए और इतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए तुमको बस वीडियो को लाइक करना है। जल्दी करो नहीं तो तुमको मेरा श्राप लगेगा और तुम कभी भी एंड्रॉइड डिवाइस में ऐसे गेम्स नहीं खेल पाओगे। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब 3DS गेम की रैंकिंग करने से पहले मैं तुमको बता दूं, अगर तुमको कोई भी 3DS गेम का ओरिजिनल रोम चाहिए तो मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी है। अब वो वाली वीडियो का लिंक तुमको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं भी जाओ देखो एंड डाउनलोड करना तो तुम कर सकते हो। हमारे मन में तुम्हारे लिए जो तौर बढ़ गया। अब मेरी रैंकिंग देखने से पहले तुम ये जान लो कि मैं किस बेसिस पे रैंकिंग करता हूँ। अब मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ स्टोरी लाइन में। तो पोकेमन्स के गेम्स में दो तरह की स्टोरी लाइन होती है, एक होती है बैकग्राउंड स्टोरी एंड एक होती है मेन स्टोरी। तो तुमको मेन स्टोरी के बारे में पता ही होगा, बट इन केस अगर तुमको बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में नहीं पता तो मैं तुमको बता दूं, बैकग्राउंड स्टोरी वैसी स्टोरी होती है जो कि तुम्हारी मेन स्टोरी से कभी भी रिलेटेड नहीं होती है। दैट मींस अगर तुम गेम में उस चीज को कंप्लीट नहीं भी करते हो, तुम बैकग्राउंड स्टोरी को अगर कंप्लीट नहीं भी करते हो फिर भी तुम गेम को कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्ट्रासन की बात करें तो वहां पे हमने नजोया के साथ डेट किया था एंड पिकाचू का हमने शादी करवाया था। सो या ये सब सारी चीजें बैकग्राउंड स्टोरी में आती है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक गेम में। सो फाइनली अब टाइम आ चुका है रैंकिंग का, तो मैं सबसे लास्ट से रैंकिंग करूंगा, मतलब सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पे जो गेम रहेगा वो मैं पहले बताऊंगा एंड उसी के साथ ही मैं उसके रोम हैक्स के बारे में भी बता दूंगा। एंड इन केस अगर तुमको वो रोम हैक डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स प्रोवाइडेड है, तुम जाके सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो गेम आता है उसका नाम है पोकेमन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि पोकेमन का एक्स एंड वाई सबसे पहला 3DS गेम था पोकेमन का, जिसने अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही पोकेमन वर्ल्ड में बिल्कुल आग लगा दी थी। तो इस गेम में सबसे खास चीज है इसकी मेन स्टोरी। इसकी मेन स्टोरी में हर एक इमोशन भरा पड़ा है। एक सीक्रेट बात बताऊं, एक्चुअली मैंने ये गेम अपने चैनल पे खेल रखी है एंड इसके लास्ट एपिसोड में मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। तो अभी तुम सोच रहे होगे कि मैंने इस गेम को इतना नीचे क्यों रखा है। इसका सिंपली एक रीजन है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी उतनी कुछ खास नहीं है। ऑल्दो तुमको गेम में मेगा एवोल्यूशन देखने को मिलता है, बट इसकी ग्राफिक्स अदर गेम्स के कंपैरिजन में तुमको थोड़े से कम मिलते हैं, जैसे कि ओमेगा रूबी या फिर अल्ट्रासन। इन दोनों के ग्राफिक थोड़े ज्यादा डेवलप्ड है, बट एक बात याद रखना कि ये सबसे पहला पोकेमन का 3DS गेम था। हाँ, तो फाइनली इतना बकबक सुनने के बाद अभी तुमको पता चलने वाला है कि इसका बेस्ट रोम हैक कौन है। सो मेरे ख्याल से इसका सबसे बेस्ट रोम हैक है पोकेमन नियो एक्स एंड वाई। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडिफाइड चीजें हैं एंड बहुत ज्यादा मजेदार इसके बाद गेम बन जाता है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है इसकी डिफिकल्टी लेवल। सो जब मैं पोकेमन एक्स एंड वाई अपने चैनल पे खेल रहा था तो मुझको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ये बहुत ईजी गेम है, इसमें ये चीज है वो चीज है, ऐसे खेलो वैसे खेलो। सो इस रोम हैक ने उसकी इस मुसीबत को फिक्स कर दिया, तो तुम इस गेम के और ज्यादा मजे उठा सकते हो अभी। इसमें सेकंड चीज ये है कि तुम्हारे सारे जिम लीडर के पास अब मेगा एवोल्यूशंस होंगे। तुमको पता है कि जिम लीडर के पास मेगा एवोल्यूशन नहीं रहते थे, तो ये थोड़ा सा इजी बना देता था गेम को। ऑल्दो तुम्हारे पास मेगा एवोल्यूशन रहते थे, तो अभी इसमें मेगा एवोल्यूशन तुमको मिल जाएगा जिम लीडर के पास भी। सोचो कितना मजा आने वाला है।
इसमें थर्ड चीज ये है कि इसमें तुमको जितने भी पोकेमॉन्स है 721 तो तुमको सारे पोकेमॉन्स इसी तरह प्ले थ्रू में मिल जाएंगे, मतलब तुमको इधर उधर मिल जाएंगे या फिर जितने भी गेम के अंदर वाले फीचर्स होते हैं उसमें मिल जाएंगे। सो इसका फोर्थ फीचर है ट्रेड एवोल्यूशन। अब तुमको पता रहता है कि गेम में कुछ कुछ पोकेमॉन्स को तुमको ट्रेड करना पड़ता है ताकि तुम उसको इवॉल्व करा सको, लेकिन इसमें ये मुसीबत सॉल्व हो चुकी है तो तुमको अभी सिंपली उसको लेवल अप करना है एंड लेवल अप होने के बाद वो सिंपली उस पर इवॉल्व हो जाएगा। सो इस रूम हैक का फिफ्थ फीचर ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही जल्दी हैच हो जाते हैं, मतलब तुमको पता है कि एग जब तुमको मिलता है तो उसको हैच करवाने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ता है, बट यहाँ पे वो जल्दी ही हो जाता है। अब जहाँ तक मैंने पोकेमॉन एक्स एंड वाई खेला था तो मुझको ये नहीं पता कि तुमको कहाँ से मिलेगा एग, बट माइट भी तुमको मिल सकता है एंड यहाँ पे तुमको राइवल बैटल जो रहते हैं वो भी तुमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नाउ आई थिंक तुमको पता चल गया होगा कि क्यों मैंने ये वाला रोमैक लिया है एंड अब चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले गेम की ओर। सो द गेम एट नंबर 2 इज पोकेमॉन ओमेगा रूबी एंड अल्फा सेफायर। अब लिटरली मेरा ये सबसे पहला 3DS गेम है जो मैंने खेला था एंड इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिलहाल इसको सेकंड नंबर पे रखने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक मेन स्टोरी है जो कि बहुत ही अच्छी है एंड इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी उतनी घटिया नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड स्टोरी भी है, खासकर एक्स वाई से तो ज़्यादा ही अच्छी है। नाउ अब मैं ज़्यादा कंपेयर नहीं कर रहा इसको एक्स एंड वाई के साथ क्योंकि मुझको पता है मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, तुम्हारा कुछ और होगा तो माइट भी तुम्हारा एक्स एंड वाई फर्स्ट नंबर पे होगा। अब ओमेगा रूबी में मुझको सबसे प्यारी चीज़ ये लगती है कि तुम वहाँ पे स्काई में ट्रैवल कर सकते हो, मतलब उसका ट्रैवल करने का तरीका मुझको बहुत पसंद है। अभी तुमने ओमेगा रूबी खेला होगा तो तुमको ये पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझको याद है तुमको ओमेगा रूबी में एक तरह का डिवाइस मिलता है डैट इज़ नॉन एज इयॉन फ्लूट। जैसे ही तुम इयॉन फ्लूट को बजाओगे तुम्हारे सामने लैटियस या फिर लैटियास आ जाएंगे, ये डिपेंड करता है तुम ओमेगा रूबी खेल रहे हो या फिर अल्फा सेफायर खेल रहे हो। एंड इस यूनिक चीज़ ने मेरा दिल जीत लिया था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो तुमने अगर अभी तक उसको नहीं खेला है भाई जाके खेल सकते हो, कहीं तुमको वॉक थ्रू देखना होगा तो तुम मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। सो अब टाइम आता है इसके रोम हैक के बारे में बात करने के लिए। तो इसका रोम हैक मैंने सेलेक्ट करके रखा है एंड दैट इज पोकेमॉन र्यूटल रूबी एंड शैडो सेफायर आई थिंक सो। ओके तो एक्चुअली इसमें भी बहुत सारे फीचर्स है। तो सबसे पहला चीज इसमें डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज है, तो यहाँ यू नो तुम और मजे उठा सकते हो गेम के। साथ ही साथ इसमें जितने भी जिम लीडर्स है भाई सबके पास 6-6 पोकेमॉन्स है। यस आई एम नॉट किडिंग, जितने भी जिम है सबके पास 6-6 पोकेमॉन्स है एंड ये और तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ाएगा इस गेम की ओर। तो जो तीसरी चीज़ इस रूम हैक में है वो है इसके पोके आइटम्स, मतलब यहाँ पे जो तुम मार्ट में जाओगे तो वहाँ पे तुमको थोड़े सस्ते आइटम मिलेंगे एंड बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मिलेंगे क्योंकि ये गेम थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी ज़रूरत रहती है ताकि तुम अच्छे अच्छे आइटम्स यूज़ करो एंड तुम इजिली हरा पाओ जिम लीडर्स को एंड ट्रेनर्स को। तो इसमें जो फोर्थ चीज़ है वो है इसकी न्यू आउटफिट्स। तुमको पता है कि आउटफिट्स कितने ज़रूरी होते हैं, तो यहाँ पे तुमको कस्टमाइज्ड आउटफिट मिलेंगे तो तुम जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो एंड अदर बहुत सारे फीचर्स हैं मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। तो ठीक है हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की ओर। सो द गेम एट नंबर 1 इज पोकेमॉन अल्ट्रा सन एंड अल्ट्रा मून। अब मैं लिटरली तुमको बता रहा हूँ दिस इज माई फेवरेट 3DS गेम। यस ऑफ कोर्स ये मेरा फेवरेट बन गया है तब से जब से मैंने इसका खेला है रोम हैक। एक्चुअली वो रोम हैक था जिसको मैंने कस्टमाइज किया था बट इट वॉज सुपर कूल। चलो मैं तुमको आगे बताता हूँ, पहले मैं तुमको बताता हूँ कि ये मुझको क्यों पसंद है। तो जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझको इसमें लगती है वो है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा ऑसम है। साथ ही साथ तुमको पता रहेंगे यहाँ पे जितने भी रीजन्स हैं, मतलब एक रीजन ऐसा है जहाँ पे तुमको बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलते हैं एंड दूसरा रीजन ऐसा है कि जो कि बिल्कुल लगेगा बिल्कुल पुराने ज़माने का है, मतलब तुमको बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस इसमें मिलता है। ऑल्दो अगर तुम कंपैरिजन करो ग्राफिक्स के बेसिस पे तो भाई मैं लिटरली बता सकता हूँ पोकेमॉन ओमेगा रूबी से एंड पोकेमॉन एक्स एंड वाई से दोनों से बढ़िया ग्राफिक्स पोकेमॉन अल्ट्रा सन एंड अल्ट्रा मून का है। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझको इस गेम में लगती है वो है ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि इसमें जो नेचर को है ना सू करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। बट इस गेम में थोड़े से कोन्स भी है एंड वो कोन्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुमको साथ से डिसअपॉइंट कर सकती है बट मेरे को नहीं की। तो जो चीज़ है इसमें वो है मेगा एवोल्यूशन को लेके। तो तुमको जैसा कि पता है इसमें मेगा एवोल्यूशन नहीं है इसके फर्स्ट वाले वर्जन में, लेकिन अगर तुम इसका वर्जन अपडेट करते हो तब वो आता है, मतलब तुमको एक बार गेम को कंप्लीट करना पड़ेगा देन तुम मेगा एवोल्यूशन को एंजॉय कर सकते हो। बट उससे पहले यू आर नॉट गोना एंजॉय इट मैन। बट मेगा एवोल्यूशन को एक साइड रखते हुए यहाँ पे और भी बहुत चीजें हैं जो उस कून्स को दबा देती है, जैसे कि यहाँ पे है जी मूव्स। तो तुमको यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के जी मूव्स मिलते हैं एंड जिनके एनिमेशंस भाई
कतई जहर बहुत ही ज्यादा कूल है। तो एक चीज के बारे में मैंने तुमको बताया नहीं कि इसका मेन स्टोरी, एक्चुअली मैंने गेम को अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे को मेन स्टोरी के बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरी जर्नी अभी भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि सीरीज अभी भी चल रही है। प्लीज से आना यार, सपोर्ट करना, बस तुमको सब्सक्राइब करना है एंड वीडियोज आके देखने हैं, कमेंट करके बताना है कि मेरे को क्या करना चाहिए आगे। सो वीडियो में इससे आगे जाने से पहले मैं तुमको बता दूं कि मैंने चैनल पे एक पोल रखा था जहां पे मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट 3DS रोम कौन सा है। तो 65% लोगों को अल्ट्रासन बहुत ही पसंद आया, 27% लोगों को पोकेमन एक्स एंड वाई उनसे ज्यादा पसंद आया एंड 8% लोगों को पोकेमन ओमेगा रूबी। तो तुम यहां पे रैंकिंग देख सकते हो कि किस तरह का टेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स का है एंड तुम इससे पता लगा सकते हो कि कौन सा गेम ज्यादा फेमस है, कौन कैसा है और तुम ज्यादा बढ़िया से एनालिटिक्स ले सकते हो। तो अब टाइम आ चुका है अपने अल्ट्रासन के रोम हैक्स के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहला जो रोम हैक है जो मैंने यूज किया था या फिर जो मैं अभी खेल रहा हूँ वो है पोकेमन सिंस्टर सन। सो मेरे को उस वाले रोम हैक में सबसे कूल चीज ये लगती है कि उसमें शैडो पोकेमन्स है। एंड शैडो पोकेमन सिर्फ तुमको एनकाउंटर करने के लिए नहीं मिलेंगे, वहाँ पे जितने भी राइड्स होते हैं पोके राइड, अगर तुमने गेम खेला होगा तो तुमको पता होगा कि वहाँ पे किस तरह के राइड्स रहते हैं। तो राइड्स में जितने भी पोकेमन्स रहते हैं सब शैडो पोकेमन्स हैं। साथ ही साथ वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल राइज कर दिया गया है तो तुम और भी ज्यादा मजे उठा सकते हो गेम की। और तो और वहाँ पे साइनी जो चांसेस रहते हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं तो तुमको और ज्यादा साइनी पोकेमन्स वहाँ देखने को मिल सकते हैं। चलो ठीक है, आई थिंक इतना काफी है इसके बारे में, बट आज के लिए एक और बोनस रोम हैक है तुम्हारे लिए अल्ट्रासन को लेकर। अब ये वाला जो रोम हैक है वो थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ऊट पटांग चीजें हैं। तो इसका नाम है पोकेमन स्टार, ये भी अल्ट्रासन पे ही बेस्ड है, बट इसमें कैरेक्टर्स तुम्हारे चेंज रहते हैं, जहाँ पे हाउ रहता है वहाँ पे शायद लिली रहती है एंड ऑल इन ऑल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा गेम वियर्ड बन जाता है। बट अगर तुमको इन सब चीज़ों में इंटरेस्टिंग है तो तुम इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फाइनली अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो तुमको वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना एंड अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि उस कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड हम इसी तरह के और वीडियोस तुम्हारे लिए बना सकते हैं। सायोनारा।